तो सच में मैं उसे देखने के लिए काफ़ी बेताब हूँ, क्योंकि आज तक मैंने भी कभी वो मतलब सामने पे नहीं देखी वो चीज़। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो सुबह की बज रही है 8:30 और हम अभी अभी सो के उठे हैं। तो उठ के ही मुंह हाथ धोया है मैंने, और मुंह हाथ धो के मैंने मतलब नाश्ता रेडी करा है। तो मैंने रोटी सब्जी बनाई है और रिया तो गई है इस टाइम नहाने, तो जब वो नहा धो के आ जाएगी उसके बाद ही हम मिलकर नाश्ता करेंगे, क्योंकि मुझे वैसे भूख भी लगी रही है, पर मैं पहले नहीं खाऊंगी जब तक वो नहीं आए, क्योंकि दो तो हम हैं तो साथ में बैठ के ही सुबह का खाना खाएंगे हम। तो अब उसका थोड़ा सा वेट करती हूँ मैं, जब तक वो आएगी तब तक बैठी रहती हूँ। तो रिया भी आ गई है नहा धो के, तो अब हम साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। तो आज हमने नाश्ते में बनाई है आलू और चिचंडे की सब्ज़ी और रोटी। मुझे तो उस टाइम से काफ़ी भूख लग रही थी, रिया तूने इतना वेट करवाया मुझसे। नाश्ता तो हो ही गया है और अब बारी है बर्तन धोने की। तो अंदर काफ़ी ढेर लगी है बर्तनों की, तो पहले मैं धो लेती हूँ बर्तन, उसके बाद देखती हूँ कॉलेज जाती हूँ आज, काफ़ी दिन बाद मेरा मन हो रहा है और जाना ज़रूरी है, तो इसीलिए पहले बर्तन धो के उसके बाद मुँह हाथ धो के फिर से रेडी होके तो चलती हूँ मैं कॉलेज। शाम की बज चुकी है 6:30 और इस टाइम मैं छत में बैठी हूँ, और मैं वैसे ही फ़ोन पे लगी थी तो मीशो खोल के बैठी थी। तो तभी मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी, मुझे लगा हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैंने वो ऑर्डर कर दी है। तो 2-3 दिन में वो आ जाएगा और मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा दूँगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी चैनल के लिए कुछ लिया है, मतलब दो चीज़ें खरीदी हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ उससे मतलब वीडियो बनाने में मुझे कंफर्ट फील होगा, और मुझे लगता था कि हाँ उस चीज़ की कमी है तो मुझे वो ले लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज उसे ऑर्डर कर लिया है। तब से सोच रही थी करूँ या ना करूँ, तो सच में मैं उसे देखने के लिए काफ़ी बेताब हूँ, क्योंकि आज तक मैंने भी कभी वो मतलब सामने पे नहीं देखी वो चीज़। आपको भी वीडियो अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेगी, मतलब इससे तो ज़्यादा अच्छी होगी जो इस टाइम है, इससे ज़्यादा बेटर उस टाइम होगी जब मैं वो दोनों चीज़ें ले लूँगी। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि वो चीज़ कब आएगी और कब मैं उसे देखूँगी, क्योंकि मैं अभी पहली बार देख रही हूँ उस चीज़ को। फ़ोटो में तो देख ली पर रियल में आज तक मैंने उसे सच में नहीं देखा, तो मैं भी काफ़ी बेताब टाइप की हूँ कि कब वो आएगा। तो 2-3 दिन में वो पहुँच ही जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको भी दिखा लूँगी। छत में बैठे बैठे ही हो गई है हमको यहीं पे, मतलब रात हो गई है बैठे बैठे, तो अब हम नीचे चलेंगे और थोड़ा खाना वाना बनाने की तैयारियाँ करते हैं। भूख तो वैसे अभी नहीं है, तो वैसे ही देखते हैं क्या होता है, यहीं बैठे रहेंगे या नीचे जाएंगे। नीचे तो इतनी गर्मी है बता नहीं सकते, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील होता है बैठ के। तो आज का दिन भी गया है ऐसे ही, तो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं कल के ब्लॉग में।